हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत मज़े में होगे, बहुत एंजॉय कर रहे होगे लाइफ को। सो गाइस, मैं फिर हाजिर हो चुकी हूँ बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट के साथ। आई होप आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, दैट इज़ व्हाई आप इस वीडियो में आए हो। सो बहुत ही यूज़फुल किचन होम रिलेटेड, होम अप्लायंसेज, किचन अप्लायंसेज से रिलेटेड बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट्स मैं लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो अभी वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं, लेट्स गेट बैक टू दिस। सो गाइस, हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है ये, और ये मैंने एक्चुअली ओपन करके देख लिया था। आप देख सकते हैं इस तरीके की ये पैकेजिंग में आया है, और ये मैंने मंगाया था एक ब्रूम होल्डर, या आप जिस पे स्टिक्स वगैरह को किसी को भी होल्ड करके रख सकते हो, काफ़ी स्पेस आपका बच सकता है, और यू नो क्लीनिंग के पर्पज़ से बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, इसके साथ ये हमें मिल जाएंगे स्क्रू एंड इस तरीके की ये क्वालिटी। सो गाइज, आप देख सकते हैं इस तरीके का ये स्टैंड मिल जाएगा, इसको हम किसी भी वॉल में माउंट कर सकते हैं, एंड ये इस तरीके से सीधा है, और इस पे आप कुछ भी जो ब्रूम्स होती हैं और वाइपर्स होते हैं यू नो, या डस्ट पैन होते हैं, उसको किसी को भी आप इसमें स्टिक कर सकते हो और किसी दीवार इसको माउंट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है। इसमें ये आपको हुक्स मिल जाते हैं जिस पे आप कुछ भी हैंग कर सकते हैं, यू नो 6 हुक्स इसमें आपको पूरा मिलते हैं, और 5 लॉकिंग सिस्टम है इसमें, जिसमें आप कुछ भी ईजिली होल्ड कर सकते हो। जैसे लॉन्ग हैंडल वाली जो चीज़ें होती है वो इसके लिए परफेक्ट है। इसके अंदर ये व्हील से दिए हुए हैं, जब आप इसको स्टिक करोगे तो ये अंदर चले जाएंगे, और ये जो ब्रूम वगैरह होता है, वाइपर होता है, ईजिली उस पर हैंग हो जाएगा। आप साइड में, वैसे मैंने एक डेमो करके दिखाया था, वहाँ पर भी देख सकते हैं, उस पर मैंने हैंग करके आपको दिखाया है। अभी बात कर लेते हैं क्वालिटी की, तो क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। आप देख सकते हैं प्लास्टिक वगैरह काफ़ी अच्छी लग रही है, और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट मुझे लगा, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है ये। और इसके साथ मैंने आपको दिखा दिया था ये स्क्रूज आएंगे। प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस इसका है 380 रुपीज़। मैंने अभी इसको हैंग नहीं किया, बट मैंने इसके ऊपर यू नो स्टिक करके देखा था। आप जो स्टिक्स वगैरह होती है ना, या डस्ट पैन होते हैं, किसी भी चीज़ को आप इजीली स्टिक कर सकते हैं, काफ़ी स्पेस आपका बचेगा, और क्लीनिंग के पर्पज़ से भी रहेगा फ्लोर यू नो, तो उसके पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा मुझे तो अच्छा लगा। और चलो अभी बढ़ लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। तो गाइज, नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये, और ये मैंने कुछ मंगवाया था, पहले इसको ओपन करके दिखा देती हूँ मैं आपको, तभी बताऊँगी। तो गाइज, आप देख सकते हैं ये मैंने ना कुछ रीयूजेबल जो किचन के लिए जो टिश्यूज़ होते हैं वो मैंने ऑर्डर किए थे, और ये इस तरीके का पूरा पैक हो रखा है। इसमें कलर ऑप्शन आपको ऑनलाइन 2 मिल जाएंगे, एक पिंक कलर में एंड ये इसमें, और ये ना क्लोथ मटेरियल है। मैं आपको पहले ओपन कर लूँ, दिखाती हूँ। तो ये क्लोथ मटेरियल की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इसमें ये कट सा लगा हुआ है, यहाँ से आप इसको ले सकते हैं, एंड ईजिली किचन में यू नो स्लैब वगैरह को क्लीन करने के लिए, या फिर गैस वगैरह को क्लीन करने के लिए ये वॉशेबल इश्यूज़ हैं, तो बहुत ही इफेक्टिव मुझे लगे। और ये ना क्लोथ मटेरियल है, कोई वैसा पेपर टाइप का मटेरियल नहीं है, मटेरियल बहुत अच्छा है, बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, और ये बिल्कुल महंगा भी नहीं है। 110 रुपीज़ में आई थिंक, या 105 में मुझे मिल गया था, और इसके अंदर ना एक रोल में 120 टिश्यूज़ आपको मिल जाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इस चीज़ की तो नीड होती रहती है। और सबसे अच्छी बात इसमें है ये रीयूजेबल है, इसको वॉश करके आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। कलर ऑप्शन इसमें पिंक और ये वाला मिल जाएगा, ये इस साइड से ऐसा दिखता है एंड इस साइड से ऐसा दिखता है, सो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप चाहें तो बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। सो गाइस, चलो अभी बढ़ लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। सो गाइस, नेक्स्ट मैंने ये मंगवाया था, ये आप देख सकते हैं, ये ना बाथरूम शेल्फ है, और ये इस तरीके का आप देख सकते हैं, इस तरीके का बाथरूम शेल्फ है, और इसके साथ हमें ये 2 हैंग करने के लिए, इसमें ये हमें स्क्रू मिल जाते हैं, एंड ये 2 हैंग करने के लिए, पेस्ट करने के लिए मिल जाते हैं, आ जाते हैं इस पर। ये स्टील मटेरियल का है, और इसमें आपको 4 हुक यहाँ पे मिल जाएंगे, जिस पे आप कुछ भी हैंग कर सकते हैं, टॉवल हैंग कर सकते हैं, यू नो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ये आप किसी वॉश बेसिन के साइड में लगा सकते हैं, जहाँ पर आप ब्रशेज, पेस्ट वगैरह कुछ भी लग सकते हैं, नहीं तो आप लिविंग रूम में भी रख सकते हैं। इसके अंदर आप बुक्स को भी कैरी कर सकते हैं, मैगजीन्स वगैरह को भी रख सकते हैं, और इसके अलावा ये डेकोरेशन के पर्पज़ से भी काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, कीज़ वगैरह को आप इसमें हैंग कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो प्राइस इसका है आई थिंक 180 रुपीज़, मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे। सो मुझे तो काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट लगा, और अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी अमेजिंग है। स्टील मटेरियल है, जिसपे ब्लैक पाउडर से कोटिंग है, सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं डेफिनेटली यूज़ करने वाली हूँ। सो गाइज, नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चल लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये प्रोडक्ट, और ये एक्चुअली मुझे पता तो है इसमें क्या है, बट मैंने ओपन ही करके देखा, तो आपके सामने मैं अनबॉक्स कर लेती हूँ। ओके,
सो गाइज आप देख सकते हैं ये मैंने मंगाया था ज्वेलरी स्टोरेज बॉक्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है ज्वेलरी कितनी ज़्यादा होती जाती है और उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, और पहले भी मैंने एक्चुअली ज्वेलरी बॉक्स मंगाया था बट वो मुझे थोड़ा सा दिक्कत लगी थी उसमें ना, खोलने बंद करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत मुझे लगी थी और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बट आप इसकी देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी बहुत ही दमदार लग रही है, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी लग रही है। और इसके अंदर ना 36 ग्रिड्स आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं इस तरीके के 36 ग्रिड्स मिल जाएंगे जिसको आप इस तरीके से आप बॉक्सेस में कर सकते हैं ऐसे, जितनी आपको नीड हो। आप बड़ा बॉक्स चाहते हैं बड़ा बन सकता है इसको, अगर छोटे छोटे कंपार्टमेंट चाहते हैं तो छोटे छोटे बन सकते हैं। इस तरीके से ये लग जाएंगे, जैसे मैं एक लगा के दिखाती हूँ यहाँ पे। सो गाइस आप देख सकते हैं जैसे एक लेयर ये बन गई, जैसे आइस ट्रे होती है ना उस तरीके के आप कितने मर्जी कंपार्टमेंट बना सकते हैं, और उसमें अपने इयररिंग्स वगैरह यू नो या फिर डेकोरेशन के लिए जो बीड्स वगैरह होती हैं उसको भी आप इजीली अलग अलग पोर्शन में रख सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपको मिलेगी, बिल्कुल खोने का तो मतलब ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी क्वालिटी लग रही है, प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और प्राइस की बात करें तो प्राइस इसका आई थिंक 150 या 160 के समथिंग था, वो मेंशन कर दूंगी। तो मुझे तो बहुत पसंद आया, अगर आप चाहें तो आप इसके साथ डेफिनेटली जा सकते हैं, बट हम अभी चल लेते हैं अपने। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये, और इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसको भी मैंने ओपन नहीं किया था। मैं चाहती हूँ ना कि आपके सामने ही ओपन करूँ ताकि आप पैकिंग वगैरह भी देख सकें कि किस तरीके की पैकेजिंग में ये आता है। सो इसलिए मैंने ओपन नहीं किया, बट कुछ प्रोडक्ट होते हैं कि ओपन करना मस्ट होता है। सो गाइज आप देख सकते हैं, ये मैंने एक ऑयल डिस्पेंसर बॉटल को ऑर्डर किया था, और ये मैंने प्लास्टिक मटेरियल में ऑर्डर किया था। और दो ग्लास मटेरियल में भी ये काफ़ी मिल जाएंगी, बट मुझे थोड़ा सा ग्लास का टूटने का डर रहता है, और प्लास्टिक में यू नो सेफ्टी के पर्पज से काफ़ी ठीक है। और आप देख सकते हैं 1000 ml की कैपेसिटी की बॉटल है, एंड इसके साथ ये कैप है जिसको हम ऐसे लगाएंगे, एंड यहाँ से आप ऑयल वगैरह को किसी को भी ले सकते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल ये प्रोडक्ट है गाइस, बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला होता है किचन में। बट इसकी बॉटल में ना ये कुछ डिफेक्ट्स मुझे लगा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ मार्क से लग रहे हैं, जैसे पानी हो अंदर, बट उस तरीके के नहीं है ये, कुछ डिफेक्टिव आई थिंक क्वालिटी इशू ही है। जगह जगह ये काफ़ी सारे इसमें ये मार्क है। अगर इसकी बात करें तो 137 में ये मुझे रिसीव हुई है। इसमें दो पैक में और थ्री पैक में भी अगर आप कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली थोड़ा सा कम प्राइस का मिलेगा, सस्ता पड़ जाएगा। बट मैंने ये एक ही बॉटल, क्योंकि मुझे एक ही नहीं थी, एक ही बॉटल परचेज किया है, और ये मुझे 137 में रिसीव हुई है। तो वैसे बॉटल काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है किचन के लिए, बट इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट है, तो मैं डेफिनेटली इसको एक्सचेंज कराऊंगी, रिटर्न नहीं करूंगी, एक्सचेंज कराऊंगी। सो अभी चलो हम बढ़ लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। सो गाइज मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये, एंड इसको देखते हैं। ओके सो गाइज मैंने एक मंगाया था, एक फ्रूट वेजिटेबल पीलर, और ये आप देख सकते हैं, आपने बहुत वीडियो में देखा भी होगा, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट मुझे लगा। अच्छा कलर इसमें रैंडम आया, ग्रीन कलर दिखाया था, बट ये पिंक कलर मुझे रिसीव हुआ है। प्राइस की बात करें तो 145 में मुझे रिसीव हुआ है, और ये बहुत अच्छा वर्क करता है, यू नो सारे मैस से आपको बचा देता है। आपको कुछ भी पील करना हो, कोई भी फ्रूट वेजिटेबल, आप इजीली रूम में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, कोई ऐसी नहीं होने वाला, कुछ गंदी फैलने वाला, बहुत ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है ये। ट्रेवल फ्रेंडली भी, आप बाहर भी जाते हैं, कहीं कार में भी आपको कुछ पील करना हो, यू नो कहीं भी आप बाहर जाते हैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर ये सारे पील्स आ जाते हैं, उसको आप बाद में थ्रो कर सकते हैं। और प्लास्टिक मटेरियल है, BPA फ्री प्लास्टिक है, तो काफ़ी अमेजिंग प्रोडक्ट मुझे लगा, किचन के लिए बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, आप डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। गाइस हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये छोटू मोटू सा प्रोडक्ट, और ये मैंने मंगाया था, बहुत ही यूज़ में आने वाला ही प्रोडक्ट है। और ये मैंने मंगाया था एक फ़ोन स्टैंड, और आप देख सकते हैं इस तरीके का मुझे रिसीव हुआ है। और ये इसका जो मटेरियल है वो ABS मटेरियल है, इसका अंदर नॉन ब्रेकेबल है, काफ़ी यूज़ में आने वाला है। आप सोते सोते भी आराम से मूवीज़ वीडियोस देख सकते हैं, किचन में भी यूज़ किया जा सकता है, जिसको ज़्यादा यू नो सीरियल देखने का शौक़ होता है ना, वो भी इसको यूज़ करके ईजिली काम करते करते भी वीडियोज़ मूवीज़ ईजिली देखी जा सकती हैं। सो आप देख सकते हैं इस तरीके का ये प्रोडक्ट है, और बहुत ही पोर्टेबल सा प्रोडक्ट है, और मटेरियल इसका प्लास्टिक है। प्राइस की बात करें तो बहुत ही सस्ता है, 90 rupees में ये मुझे रिसीव हुआ है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, मीशो से ही मैंने परचेज़ किया है। सो अगर आप चाहें तो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट, और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, ये एक्चुअली एक वाइपर है,
और आप देख सकते हैं इस तरीके का वाइपर है जिसमें दो साइड ब्रश रहते हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यू नो ग्राउंड पे स्टेन्स हो जाते हैं। एक मिनट मैं ओपन कर लेती हूँ पहले। सो ये दो रोड मिली है, ये ब्रश मिला है विद वाइपर, यहाँ पे आप वाइपर कर सकते हैं, यहाँ पे ये सीधा ब्रश है, देन ये कॉर्नर्स वगैरह के लिए जो ब्रश होता है ना, बहुत ही ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने मंगवा लिया और आपको दिखा भी दिया। मैं इसको पहले असेंबल कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। सो गाइज आप देख सकते हैं ये काफ़ी इसकी लंबी स्टिक बन गई है, आप चाहें तो इसको एक स्टिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसकी सबसे अच्छी चीज़ ना मुझे ये लगी, ये चारों तरफ तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, मैंने ठीक से नहीं लगाया था। हाँ अभी ये ठीक से लगाया, आप देख सकते हैं इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये स्पिन हो सकता है इस साइड भी, जैसे कॉर्नर्स वगैरह क्लीन करने होते हैं ना बाथरूम वगैरह के कहीं के भी, तो आप इजीली इसके साथ जा सकते हैं। आप देखो यहाँ पे भी ब्रश आपको मिलेगा, ये सीधे भी ब्रश है और यहाँ पे ये एज अ वाइपर काम करेगा। ये साइज इसका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा साइज लग रहा है, जो नॉर्मल वाइपर होते हैं उसका तो बिल्कुल आधा साइज है। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हैं। सो अभी हम बढ़ लेते हैं अपने लास्ट प्रोडक्ट पे, हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये, और ये मैंने ऑर्डर किया था एक पोर्टेबल ब्लेंडर मिक्सर जूसर जो भी आप बोल सकते हैं। और आप देख सकते हैं आपने डेफिनेटली ये देखा होगा, इस तरीके का ये देखने में आएगा। और इसके साथ हमें मिलती है ये चार्जर केबल जिसको हमें चार्ज करना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा देर के लिए चार्ज करना पड़ता है। यहाँ पे आप इसको लगा देंगे एंड इसको आप किसी भी फ़ोन में किसी भी चार्जर में आप इसको लगा के चार्ज कर सकते हैं। सो गाइस प्राइस इसका है 450 और ये प्लास्टिक मटेरियल में है सारा, 350 इसकी कैपेसिटी है। और अभी बात कर लेते हैं कि इसकी ये वर्क कैसे करता है, तो साइड में मैं वीडियो लगा दूंगी जो मैंने इसको ऑरेंज जूस निकाल के देखा था, देन यू नो बनाना शेक बना के देखा था, बट मेरी नज़र में ये बिल्कुल वर्स्ट प्रोडक्ट है, बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। चार्जिंग इतनी देर तक करनी पड़ती है बट फिर भी ये बिल्कुल भी वर्किंग नहीं है, बिल्कुल ये परचेज़ मत करना। और अगर किसी ने भी परचेज़ किया इस तरीके का प्रोडक्ट और वो यूज़ कर रहे हैं इसको स्मूथीज़ वगैरह बनाने के लिए, मैंने सोचा था कि एटलीस्ट स्मूथीज़ वगैरह जो बनते हैं, शेक्स वगैरह जो बनते हैं, वो डेफिनेटली इससे बन जाएंगे, बट ना ये बार बार बीच बीच में रुक जाता है और ये अच्छे से बिल्कुल वर्क नहीं करता। सो अगर ऐसा है जो इस सेम प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है और बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, मे बी मैंने किसी और ब्रांड की परचेज़ कर ली हो या थोड़ा यू नो ब्रांड का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल बेकार प्रोडक्ट है, बिल्कुल परचेज़ मत करना। ये थोड़े बहुत यू नो मिल्क शेक्स वगैरह बनाने के लिए ही मुझे लगता है चल सकता है, और उसके लिए अभी बहुत ज़्यादा चार्जिंग की नीड होती है, काफ़ी देर के लिए चार्जिंग करोगे फिर भी थोड़ी देर चल के ये बंद होने वाला है। सो मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल बेकार प्रोडक्ट है, अगर आप चाहें तो फिर भी देख सकते हैं। सो गाइज़